क्या ये जो डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज हैं जो 40,000 या 50,000 के प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, क्या ये वर्थ हैं? और क्या इनके अंदर दी जाने वाली प्लेसमेंट गारंटी भी सच है या यहाँ कुछ गड़बड़ है? हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, एटीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और आइए बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के इन कोर्सेज के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस वीडियोस बनाते हैं। बैक डेटा एनालिटिक्स की हमारी सीरीज ऑफ वीडियो के अंदर ये एक और एपिसोड है। अब क्योंकि आपको डेटा एनालिटिक्स एक स्किल है, अच्छा स्किल है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, आपको फ्री कोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ, फ्री लांस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ये जिम्मेदारी है कि जब आप पेड कोर्सेज की तरफ अपना कदम रखने जाते हैं तो आप कहीं गलत कदम ना उठा लें, उसके लिए भी आपको गाइड करूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम वो जो 40-50,000 वाले कोर्सेज हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं, और फाइनल वर्डिक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लेसमेंट गारंटी इन कोर्सेज के अंदर दी जाती है उसकी क्या सच्चाई है और कैसे आप इस सच्चाई का पता लगा सकते हैं। और अगर मेरी पिछली वीडियोस डेटा एनालिटिक्स के ऊपर आपने मिस करी हैं तो सबका ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन्हें देख लें। आपके और कई सारे सवाल आ रहे हैं जिसके ऊपर आने वाले समय में और मैं कई सारी वीडियोज़ बनाऊंगा फर्दर क्लैरिटी के लिए, और अगर उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो उस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए जी, तो आपको मैं अब तक की कहानी बता दूं कि क्या हुआ है इस डेटा एनालिटिक्स सीरीज़ के अंदर। कहानी ऐसी है कि मैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स को अक्सर रिकमेंड करता हूँ, फाइनेंस प्रोफेशनल्स जैसे कि सी एम ए यू एस ए, ए सी सी ए, सी पी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एम बी ए फाइनेंस, राइट। मैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स को रेकमेंड करता हूँ कि भाई आपने बेस क्वालिफिकेशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली है ना, आपको जॉब भी इसकी बेसिस पे मिल सकता है, बट आप ही की तरह और कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने इन क्वालिफिकेशंस को हासिल कर रखा है, और अगर आप अपने आप को उनसे थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं तो आपको भी डेटा एनालिटिक्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसे एक वैल्यू एडिशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। और इसी के ऊपर हमने डेटा एनालिटिक्स की इस पूरी सीरीज़ की शुरुआत करी थी। चलिए, तो अब आते हैं अगली बात। अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने कंक्लूड किया था कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, उसका एक बेसिक सा रिवीजन मैं दे दूं। भाई सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी नॉलेज आपको गेन करनी होती है, तो कौन सी चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है और किस में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको वीडियो के अंदर कुछ फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी दी थी, कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने कहा था कि भाई अब आपको पता चल गया है आपका बेस क्वालिफिकेशन स्ट्रांग है, वैल्यू ऐड करने के लिए फिर आप पेड कोर्सेज भी सर्च कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 3, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है कि आप डेटा एनालिटिक्स को ही अपनी बेस क्वालिफिकेशन बनाना चाहते हो और उसमें ही एक्सपर्टीज पाना चाहते हो, देन आपको बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम डेटा साइंस के अंदर सर्च करना चाहिए। अब इसके ऊपर इंडिया के अंदर और अब्रॉड में डेटा साइंस को लेकर के काफ़ी अच्छे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। तो फाइनली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स को एज ए सेपरेट कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, आप दोनों ही चीज़ों का डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप डेटा एनालिटिक्स का बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं तो 4 क्विक बेनिफिट्स मैं आपके बता देता हूँ। सबसे पहला क्विक बेनिफिट तो ये है कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स का बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं तो आपको जॉब प्रोफाइल बेटर मिलती है। दूसरा बेनिफिट है, आपको जो सैलरी है वो भी अच्छी मिल सकती है। भाई जो फैंग कंपनीज होती हैं या जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज होते हैं, राइट, ये लोग आपको फ्रेशर्स को 11 से 13 लाख पर एनम के आसपास का पैकेज बड़े आराम से दे देते हैं, ऑब्वियसली अगर आप उनका इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं तो। मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जो जॉब्स का सिनेरियो है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मूविंग अहेड, नंबर 3, अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम कर चुके हैं तो फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुल सकती हैं, बिकॉज जब आप क्लाइंट्स को बताएंगे कि आपने एक फॉर्मल एजुकेशन ले रखी है डेटा साइंस के अंदर, तो डेफिनेटली क्लाइंट्स आपकी तरफ आपके साथ काम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। एंड बेनिफिट नंबर 4, आप बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं तो इस फील्ड के अंदर आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप अपने करियर के अंदर सेट होने का यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये रीज़न है कि मैंने क्यों इन 4 बेनिफिट्स के बारे में बात किया है। नाउ लेट्स कम बैक टू दोस 40,000 और 50,000 वाला डेटा एनालिटिक्स का कोर्स। यहाँ पे ना मेरे 2 डाउट हैं
ठीक है, डाउट ये है कि भाई एक बार मान लेते हैं कि जो 40-50 हज़ार के डेटा एनालिटिक्स के कोर्स हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनके अंदर, और जो ये जॉब आपको प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, एक बार को मान लेते हैं कि ये क्लेम और ये प्रॉमिस भी उनका सच्चा है, फिर भी डाउट नंबर एक कि आप ये 40-50 हज़ार का कोर्स करके क्या लॉन्ग टर्म ग्रो करने का सोच सकते हैं, यहाँ पर मेरे को एक डाउट है। और दूसरी बात है, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, इसके ऊपर मुझे डाउट है। तो आइए इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट में आते हैं और डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो अब क्या ये 40-50 हज़ार के कोर्स वर्थ हैं? तो द आंसर इज येस, मगर इनका जो प्लेसमेंट गारंटी का प्रॉमिस है, अगर ये पूरा करते हैं तो। 40-50 हज़ार का हम कोई भी कोर्स करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमारी 3 लाख पर एनम की होती है, बिकॉज 3 लाख पर एनम की जॉब भी अगर आपको वो दिला देते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने 40-50 हज़ार का खर्चा किया है सारा सारा, हार्डली 6 महीने स्पेंड करें, और उसके बाद अगर आपको 3 लाख पर एनम की जॉब मिलती है तो ये एक फेयर इक्वेशन हो जाती है। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारी अच्छी है, बट ये बात भी तय है कि बहुत ही जल्दी आपको फील होगा कि हमारी ग्रोथ अब बहुत तेज़ी से नहीं हो रही है, और तेज़ी से ग्रोथ को करने के लिए हमें फॉर्मल एजुकेशन करना पड़ेगा, स्पेशली तब जब आपकी बेस क्वालिफिकेशन बहुत वीक है, जैसे कि बीकॉम या बीबीए एक बहुत ही सिंपल से कॉलेज से, राइट। एंड देयरफॉर दूसरा सिनेरियो भी बात कर लेते हैं भाई, अगर ये प्लेसमेंट गारंटी वाली जो चीज़ है, अगर इसके अंदर तो कोई दम नहीं है, यानी कि ये बेकार है, ये फॉल्स है, तो फिर ये 40-50 हज़ार खर्च करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है। अब कैसे फाइंड आउट करें सर कि ये जो क्लेम कर रहे हैं सच में ये प्लेसमेंट देते हैं कि नहीं? तो द ट्रिक इज़ वेरी इजी, आप लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पे अप्रोच करें इनके एलुमनाई को, राइट, इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें कि किन किन लोगों ने इस इंस्टीट्यूट से, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखा है, और उन्हीं से पूछ लें कि भैया प्लेसमेंट मिली कि नहीं, और मिली तो क्या सैलरी मिली। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि जो डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज है ना, इनको बनाना और इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले समय में डेटा ही सब कुछ है, और अगर आप डेटा एनालिटिक्स जानते हैं तो आपका आगे चल करके ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा, अपनी इनकम को इंक्रीज करना बहुत आसान हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो डेटा एनालिटिक्स के कोर्स पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, मेरी उनको फुल रिस्पेक्ट है, और डेटा एनालिटिक्स के और टीचर्स की ज़रूरत है ताकि और प्रोफेशनल्स जो हैं इस फील्ड के अंदर इंडिया के अंदर आए। और आपको एज स्टूडेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक रखनी है भाई। देखें, अगर आप 40-50 हज़ार का कोर्स कर रहे हैं तो 11 लाख पर एनम की सैलरी तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ वैल्यू ऐड के लिए देख रहे हैं और सर्टिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर इतने फ्री कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड अवेलेबल हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग बेस क्वालिफिकेशन जैसे कि CMA USA ACCA या CA के साथ अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूट्यूब पर भी सीख लेते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड हो जाता है। आई एम श्योर ऐसे और कई सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन है, फटाफट से यहाँ लिखना शुरू कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियोस जिसके अंदर आपके ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आते रहेंगे। मैं यानी कि CA गौरव सबरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।